सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है सिद्धांत और आप सब देख रहे हैं द डनक्रिक गेमर। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि आप मतलब कैसे रिकॉल कंट्रोल कर सकते हैं पबजी पीसी लाइट में। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मेरे पास अभी दो गन है, एक है स्कैरल और दूसरी है यूएमपी। ठीक है, तो जो लोग अभी अभी शिफ्ट हुए हैं इम्यूलेटर से पबजी पीसी लाइट में, तो उन लोगों के मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन है एसएमजी यूज़ करना शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे एयर को जाना। ठीक है, जैसे कि अभी देखो यूएमपी का मैं दिखा रहा हूँ, रुक जा पहले थोड़ा एमो उठा लेते हैं। यूएमपी का देख लो आप, ये कुछ जिस तरह का रिकॉल है, जीरो रिकॉल। जीरो रिकॉल मतलब थोड़ा रिकॉल होता है इंस्टेड ऑफ एयर। ठीक है, अब देखते हैं स्कैरल का रिकॉल। ठीक है, स्कैरल का थोड़ा हार्ड होगा, आपको माउस को खींचना पड़ेगा। तो आप देखो एक दिन में या फिर एक हफ्ते में नहीं सीख सकते रिकॉल कंट्रोल करना, आपको चाहिए थोड़ा एक 2 3 हफ्ते चाहिए पूरा मास्टर करने में। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहले ना ट्रेनिंग रूम में आना है। ठीक है, उसके बाद जो आपको गन पसंद है, जैसे कि शुरुआत में आप यूएमपी खेल रहे हो, ठीक है, 15 मिनट आप प्रैक्टिस कीजिए यूएमपी के साथ। उसके बाद आप जाइए क्लासिक में, जो कि आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एआर का ऐसे ही हर दिन जब आप गेम स्टार्ट करते हो उससे पहले ट्रेनिंग में आके अपना रिकॉल थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, रिकॉल जैसे प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेंसिटिविटी सेटिंग्स अपनी आपको बदलनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं आप लो सेंसिटिविटी में खेलते हैं तो भाई आपके लिए थोड़ा हार्ड होगा, हाई सेंसिटिविटी में थोड़ा इजी होता है रिकॉल कंट्रोल करना। तो मैं खेलता हूँ 2000 DPI में, तो मेरा सेंसिटिविटी सेटिंग्स कुछ इस तरह का है। देखिए, वर्टिकल सेंसिटिविटी मल्टीप्लायर है 1.00, जनरल सेंसिटिविटी है 40, टारगेटिंग है 41, एरन साइट है 50। तो स्कोप का भी कुछ इस तरह है, 2x का है 23, 3x का है 32, 4x का भी है 32, 6x का है 24, 8x का है 26। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंसिटिविटी सेटिंग्स करना होगा हाई सेंसिटिविटी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सेंसिटिविटी अपने हिसाब से ही बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने बदला है। मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी तो उनका कुछ प्रॉपर नहीं है, तो रिकॉइल आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करना सीखना होगा कि किस सेंसिटिविटी पे आपको खेलना है और किस सेंसिटिविटी के आप बंदे हो। तो आप बहुत लोग हैं जो लो सेंसिटिविटी पे खेलते हैं और बहुत लोग हैं जो हाई सेंसिटिविटी पे खेलते हैं। तो आपको क्या करना होगा आपके हिसाब से, मतलब देखिए यहाँ पर आधा घंटा आपको मिलता है। ठीक है, ट्रेनिंग रूम में आपको अपना सेंसिटिविटी ढूंढना होगा कि हाँ इस सेंसिटिविटी में मैं अपना रिफ्लेक्स अच्छा दे सकता हूँ, रिकॉइल अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, हम मैंने मतलब मेरे और मेरे जो दोस्त हैं वो ज़्यादातर तो हाई सेंसिटिविटी पे खेलते हैं, तो हमको इतनी दिक्कत नहीं हुई शुरुआत से। तो आज की वीडियो बस मतलब इतना ही था यार। और मैंने बताया था कि पहले पबजी पीसी लाइट में आपका बेस्ट ग्राफिक सेटिंग क्या होनी चाहिए लो एंड पीसीज के लिए, जैसे कि इंटेल एचडी ग्राफिक्स के लिए। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, अगर आपका लो एंड पीसी है तो आप वहाँ से चेकआउट जरूर कर सकते हैं। उसके बाद बस इतना ही यार, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ेगा क्या, प्लीज़ कर दो प्लीज़ यार। भाई का चला ले यार, क्या कर रहे हो, जल्दी कर दो। और इस चैनल पे मैं गेम प्ले वीडियो छोड़ता रहता हूँ, मतलब पबजी मोबाइल के भी छोड़ा हुआ है, पबजी किसी लाइट का भी छोड़ूंगा। उसके बाद स्टोरी गेम जैसे रेजिडेंट एविल की सीरीज, असैसिन्स क्रीड की सीरीज, कॉल ऑफ ड्यूटी की सीरीज, ये सब भी आने वाला है। तो सो सपोर्ट यार, नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के सपोर्ट दिखाइए यार, प्लीज़ प्लीज़ वही प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।